जी, जय एक बहुत ही दिल ठीक किस्म का इंसान है, बट बहुत ही हार्मलेस है। मतलब वो अगर फ्लर्ट करेगा तो भी, मतलब किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, या यू नो नॉट इन द जनरली आप जैसे देखते हैं फ्लर्टी वे में, वैसा नहीं। बहुत ही मतलब हार्मलेस किस्म का उसका मिजाज है। वो किसी के साथ भी बात कर सकता है, किसी के साथ भी ही कैन गेट अलॉन्ग। ही इज़ अ वेरी जोवियल, मतलब जोक्स बहुत क्रैक करता है, वैसा है। और फिल्म के सेकेंड हाफ में जब आप देखेंगे कि कुछ समय बीत गया है, लाइफ की चैलेंजेस आ गई है, यू नो ही इज़ मैच्योर्ड, तो उसमें आपको दूसरा किस्म का किरदार दिखेगा, जिसमें ही इज़ मैच्योर्ड। वो जो एक पहले हम जब टीनेज सालों में होते तो हम सोचते नहीं हैं ज़्यादा, हम जो मन में आते हैं बोल देते हैं, जो मन में आया करते हैं, लेकिन एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है तो हम सोचते हैं यार ये करने से क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या कुछ होगा, तो हम बहुत सोच समझ के, हम हमारी जो इनर जो एक किड वाली एक फीलिंग होती है वो चली जाती है। तो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट के बीइंग अ डेब्यू, मुझे दो एब्सोल्युटली अलग किरदार करने को मिले, विच इज़ अगेन अ ड्रीम फॉर एनी वन।